सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के सबलेटन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। भ्रूण हत्या रोकने लई हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने किया वड्डा ऐलान। कहा इकली बच्ची के मापियां नूं 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने की प्रैस कॉन्फ्रेंस। आतिशी ने केंद्र सरकार उत्ते संसद मैंबर संजय सिंह नूं गिरफ्तार करके उन्होंने चुप करवाने की कोशिश से लगाए इल्जाम। संजय सिंह की गिरफ्तारी लेकर पंजाब भर में आम आदमी पार्टी ने किया रोस प्रदर्शन। मोदी सरकार के फूके पुतले। ते हुण खबरां विस्तार नाल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में भ्रूण हत्या के मामलों उत्ते रोक लई सरकार दीआं कोशिशां दे हिस्से वजों इकली बच्ची के मापिआं नूं 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना तहत प्रोत्साहन मौजूदा समय 35,000 रुपए तो वधा के 2 लाख रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री सेहत सुरक्षा ते रेगुलेशन डायरैक्टोरेट वालों आयोजित प्री कंसैप्शन और प्री नैटल डायग्नोस्टिक तकनीक एक्ट 1994 उत्ते 2 दिन समर्था निर्माण वर्कशॉप के उद्घाटन मौके पत्रकारों नाल गलबात कर रहे सन। सुक्खू ने दसा कि हुण एक लड़की के जन्म तो बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले मापिया 2 लाख रुपए से 2 लड़कियों तो बाद बच्चा पैदा न करने का फैसला करने वाले मापिया 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार उत्ते संसद मैंबर संजय सिंह नूं गिरफ्तार करके उन्हें चुप करवाने की कोशिश के इल्जाम लगाए ने। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार नूं चुनौती दी है कि जेकर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत ने तो वह जनतक किए जाण। इस संबंधी प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू और कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई के 500 तो वध अधिकारियों ने पिछले 15 महीनों में आम आदमी पार्टी के आगू नाल संबंधित कई टिकाणे उत्ते छापे मारे पर उन्हां खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलिया। आम आदमी पार्टी के आगू ने कहा कि मनीष सिसोदिया की रिहायश दफ्तर कई होर थावां उत्ते 1 रुपए के भ्रिष्टाचार का भी कोई सबूत नहीं मिलिया। हुण संजय सिंह नूं निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ईडी अधिकारियों वालों संजय सिंह की रिहायश के चप्पे चप्पे की जांच की गई पर कुछ भी नहीं मिलिया। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के घर पर ईडी की रेड हुई। 8 घंटे तक ईडी की ये रेड चली। संजय सिंह जी के 4 कमरे के मकान को 8 घंटे तक ईडी ने एक एक कोने में छानबीन करी। किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, गेस्ट रूम देख लिया, लेकिन उनको 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का वहां पर नहीं मिला। कोई कैश नहीं मिला, कोई सोने के बिस्कुट नहीं मिले, कोई हीरे जवाहरात नहीं मिले, कोई प्रॉपर्टी के कागज नहीं मिले। भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी संजय सिंह जी के घर से नहीं निकला। लेकिन फिर भी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ भी नहीं मिलने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया। आज ये समझने की जरूरत है कि जो संजय सिंह जी के घर पे रेड हुई, जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, ये आखिरकार क्यों हुई? जो ये रेड है, ये रेड सिर्फ संजय सिंह जी के घर पे नहीं हो रही, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो भी मोदी जी के विरोध में बोलता है, जो पार्टियां मोदी जी के विपक्ष में खड़ी होती हैं, जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं, उन पर लगातार चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनको मोदी जी ने उनके पीछे छोड़ दिया है। जब से विपक्ष की सारी पार्टियां एकत्रित होनी शुरू हुई,
जब से इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ तो हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न है कि एक तरफ अलायंस बन रही है, एक तरफ गठबंधन बन रहा है, एक तरफ इंडिया की सारी पार्टियां एक साथ आ रही हैं। ईडी वालों गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के आगू संसद मैंबर संजय सिंह के हक में अज पंजाब भर में आम आदमी पार्टी वालों वख-वख थाई रोस प्रदर्शन किए गए। संजय सिंह की गिरफ्तारी लेकर अमृतसर में आम आदमी पार्टी वालों रोस प्रदर्शन किया गया, जिस दौरान मोदी सरकार का पुतला फूक के नारेबाजी की गई। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की अगुवाई में यह रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके विधायक डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निजर भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि मोदी के खिलाफ आवाज़ चुकने वालों को तंग परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को फर्जी शराब घपले के मामले में गिरफ्तार किया गया। देखो अज असी इतने अमृतसर भंडारी कोल के उत्ते साडे माणयोग एम पी मैंबर राज्य सभा संजय सिंह जी परसों गिरफ्तार किया एक फर्जी शराब घोटाले दे विच। और बड़े लंबे समय तो यह फर्जी शराब घोटाला जरा चल रहा है। ये उत्ते साडे वो लीडर साडे वो नेता जेडे पार्लीमेंट दे विच मोदी के विरुद्ध बोलते ने, बीजेपी के विरुद्ध बोलते ने, उन्हां दे करप्शन के केस सामने लेके आते ने, उन्हां नू टारगेट किया जा रहा। पहला साडे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी नू दिल्ली दे विच ईडी राही गिरफ्तार किया गया। कोई सबूत नहीं सीगा उन्हां दे, कोई रिकवरी नहीं सीगी उन्हां तों। फिर हुण उस ही कड़ी दे विच साडे माणयोग जिहड़े मैंबर राज्यसभा ने संजय सिंह जी परसों गिरफ्तार किया। उन्होंने घर की 8 घंटे तक तलाशी ली, कोई भी रिकवरी नहीं हुई, कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं। ये फर्जी शराब घोटाला जिदा बीजेपी पिछले 1.5 साल तो रौला पा रही है, ये लगभग हूँ तक 1000 वक् वक् थावां ते रेड किए जा चुके हैं। 500 मुलाजम अधिकारी इन्हां लाया होया है कि जड़ा फर्जी शराब घोटाले दे विच जड़ा भी कोई लीडर बोलता है उन्हूं फड़ के उहदे पिछे ईडी सीबीआई जड़ी आ वो ला दित्ती जांदी है। सो ये जड़ा बीजेपी लंबे समय तो तशद्दद कर रही आ, इहदा इक्को एक कारण सामने आउंदा है कि जिहड़े साडे नेता संसद दे विच जां संसद तो बाहर मोदी दे विरुद्ध जां बीजेपी दीआं भ्रिष्ट गलत नीतियां दे विरुद्ध आवाज़ उठाउंदे ने, उन्हां नूं टारगेट किया जा रहा। हुण देखो 2024 दीआं लोक सभा दीआं इलैक्शन जिवें जिवें भी नेड़े आ रही ने, तिवें तिवें ही बीजेपी का तशद्दद जिहड़ा आ उह लीडरां दे उत्ते वध रहा, क्योंकि जिहड़ा इंडिया अलायंस आ, इंडिया अलायंस तो इस वेले मोदी घबराया होया, क्योंकि उन्होंने पता है कि जो साडियां कमजोरियां ने, जो इन्होंने भ्रिष्ट साधन पिछले 8-9 साल के किते ने, वो सारे जड़े ने इन्हां दे उजागर होणगे और इस लड़ी दे विच जड़ा साडे लीडर टारगेट किए जा रहे ने। आम आदमी पार्टी सारे पंजाब दे विच साडे पार्टी दे कौमी लीडर बहुत बड़े लीडर साडे लोक सभा राज सभा दे विच साडे जड़े सब तो वध बुलावे जिन्हां ने पिछले 2-3 साल तो मोदी दे उहदे जिहड़े दोस्त उहदे सज्जन जिहड़े लटेरे जिहड़े इह देश दा पैसा लुट के लै गए उहनां दे खिलाफ आवाज़ बुलंद करन वाले सरदार संजय सिंह जी उहनां नूं बिना सबूतां तो बिना किसे गल तो ईडी ने जिहड़ा उह अरैसट कीता। पहलियां केसां दे विच वी ईडी कोई सबूत नहीं दे सकी, होने वाले केस दे विच भी ईडी ने कोई सबूत नहीं दिता। जिदा ईटीओ साहब तुहानू दस रहे उन्होंने घर की तलाशी ली, तुसा सब ने देखे कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। एक बंदे का बयान लिख के मैं इनू इनू पैसे दिते वो आधार के उत्ते संजय सिंह होरां जिहड़ा गिरफ्तार किया गया उन्हां दी रिहाई वास्ते इस वेले पूरे देश दे विच आम लोगों के भी तो आम आदमी पार्टी के भी बहुत वड्डा रोस है। वो करके असी ये अंदोलन जरा कर रहे हैं। यदा असल कारण की है कि 24 की इलैक्शन बिल्कुल नेड़े आ गई है और बीजेपी नू ये समझ आ गई कि देश के अंदर जे कोई लड़ाई है तो आम आदमी पार्टी के नाल लड़ाई है।
आम आदमी पार्टी के आगू अरविंद केजरीवाल जी ये देश के बीच जो इंडिया बनिया वो अगवाई कर रहे वो डरते हुए साढ़े लीडर जो जेलों के डक रहे पर उन्होंने समझ लेना चाहिए कि साड़ी पार्टी आम लोगों की पार्टी आम लोगों जो पैदा हुई पार्टी असी वाले जरा साढ़े जिन्हें मर्जी लीडर वो डक लें साडा अंदोलन इदा ही जारी रहेगा। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वालों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में जलंधर तो संसद मैंबर सुशील रिंकू कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह नकोदर तो विधायक इंद्रजीत कौर ने पार्टी वर्कर नाल नकोदर चौंक नेड़े धरना दिता। इस मौके कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह अते इंद्रजीत कौर मान ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाली सरकार अपन दमनकारी नीतियों विरोधियों को दबाना चाहती है। अज का धरना रोस प्रदर्शी जो श्री संजय सिंह जो साढ़े मानयोग जोड़े मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने जी अरैसट हुई गिरफ्तारी ईडी ने गलत तरीके किए उसके संबंध में पूरे देश के अंदर जोड़ा वक् वक् तरह के धरने रोस मुजहरे किए जा रहे हैं क्योंकि इन्ह का मंत्र सिर्फ तो सिर्फ बीजेपी का है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी का वाधा हुआ प्रभाव है उसको रोकने वास्ते पहलों इन्हों ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਬੇਨਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਈਡੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਿਆ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਮ ਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਮੋੜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਨੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਅਫਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਲਾ ਕਰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਟਾਗਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਲੋ ਲਾਲਚ ਡਰ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में जलंधर तो संसद मैंबर सुशील लिंकू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दौरान उन्होंने मोदी सरकार उत्ते तिखे शब्द वरते। उन्हें कहा कि बीजेपी अपनी हार के डरों विरोधियों को डराने अजिहियां कार्रवाइया कर रही है। उन्हें कहा कि आम आदमी पार्टी डट के संजय सिंह के नाल खड़ी है तो खड़ी रहेगी। संजय सिंह जी जिहड़े कि छोटे गरीब लोगों की लड़ाई दे विचों लीडर बने हैं। संजय सिंह जी ने हमेशा रेहड़ी वाले फड़ी वाले गरीब लोग खोखियां वाले उन्हां दी लड़ाई जिहड़ी अपने जीवन दे विच लड़ी है और लड़ाई लड़दे लड़दे अज आम आदमी पार्टी दे विच जिहड़े है राज्यसभा मैंबर बने। सो उन्हां दे उत्ते ईडी की कार्रवाई है जिहड़ी बहुत ही ज़्यादा मंदभागी है क्योंकि आदरणीय संजय सिंह जी कोल किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट का जिहड़ा अहुदा है जिहनूं आपां कहिंदे आ उन्हां कोल किसी तरह का अहुदा दिल्ली की सरकार दे विच नहीं है। वो एक आम राज्यसभा के मैंबर है जिस तरीके दे नाल दूसरे राज्यसभा के मैंबर है उन्हां दे दिल्ली सरकार के किसी फैसले दे विच ना कोई साइनिंग अथॉरिटी है ना उन्हां नूं किसी भी फैसले विच वो बैठते हैं। दिल्ली सरकार है जिहड़ी अपनी वर्किंग अपने तरीके नाल करती है पर मैं समझदा कि अज जिहड़ी आम आदमी पार्टी की जिहड़ी वधदी हुई देश प्रति लोकप्रियता आम आदमी पार्टी की वधदे हुए जिहड़े कदम है वो रोकण दे लई जिहड़ियां झूठियां कारवाइयां अज जिहड़ियां संजय सिंह जी वर्गे जिहड़े ईमानदार लीडर जिन्हां ने हमेशा गरीबां की लड़ाई लड़ी है गरीबां दे हक की गल की है और एक वाहद मैंबर पार्लीमेंट ने राज्यसभा दे विच साढ़े आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के लीडर भी हैं जिन्होंने हर एक मुद्दे के उत्ते केंद्र की सरकार नू हमेशा कड़ी चुनौती दी है कड़ी जिहड़ी है लोगों की आवाज़ उठाई है जिस करके उन्होंने पहला तो राज्यसभा का जिहड़ा सैशन है उहदे विचों निलंबित किया गया। अज समुची आम आदमी पार्टी समुचे देश दे विच जिथे जिथे साडे यूनिट है असी रोज स्वरूप केंद्र सरकार का जिहड़ा पुतला फूक रहे हैं और बिना सबूत तो बिना किसी गल तो संजय सिंह की जिहड़ी जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है उहदी असी कड़े शब्दों के विच निंदा करते हैं और अज पूरी आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जिहड़ा संजय सिंह दे नाल डट के खड़ा है और इहदे लई जो साडी पार्टी हाई कमांड वल्लों सानू दिशा निर्देश होणगे असी डट के इस गिरफ्तारी का विरोध करांगे और संजय सिंह जी दे नाल हमेशा जिहड़ा मोढे नाल मोढा ला के खड़े रहो। इस वेल का मुद्दा हुण मुड़ भख गया। पंजाब ते हरियाणा विच पानी की वंड नूं लैके खिचोतण चल रही है। इस विच इस वेल दे मुद्दे उत्ते हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 4 अक्तूबर नूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि जो जमीन वापस की गई है उसनों केंद्र सरकार एक्वायर करे ते 3 महीने के अंदर अंदर इसका रास्ता कढ़ने लई भी सुप्रीम कोर्ट वालों कहा गया। इस फैसले उत्ते वह सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते नजर आए। इस दौरान इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार पंजाब सरकार को अपना रवैया बदलना होगा। उन्हें कहा कि पंजाब सरकार एक पास तक कहती है कि असी हरियाणा का ध्यान रखांगे पर दूजे पास पंजाब के लोग कहते हैं कि हरियाणा पानी नहीं देवांगे। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद करता हूँ कि अभी 4 तारीख को 2 दिन पहले जितना एक बड़ा विषय ज्वलंत विषय पूरे देश भर के लोगों की भी नजरें इस पर लगी है हरियाणा पंजाब और बाकी उत्तर भारत की तो लगी है इसमें राजस्थान भी है दिल्ली भी है बाकी सब हैं जिनकी जो स्टेक होल्डर्स हैं SYL के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोर लगा दी थी उन्होंने कि SYL तो बनेगी इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें ऐसा वो सभी बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कदम और बढ़ाते हुए कि जो जमीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे SYL की और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकाले। जनवरी तक का टाइम दिया 3 महीने का कि 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे इससे बात करेंगे अलग बात है लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं उनका धन्यवाद भी करता हूं। देखिए
वैसे तो रवैये में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है तो रवैया उनके हाथ में नहीं है। अब रवैया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार के गिरगिटी आंसू बहा रहे हैं उसका कोई अर्थ बचा नहीं है, क्योंकि अब वो दोनों तरफ इधर से उधर उधर से खेलते हैं। या तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे, और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि साढ़े सभ्याचार समाज में पुराने समय तो ही गौवंश की काफ़ी महत्ता रही है, सूबे के कई त्यौहार गौवंश उत्ते केंद्रित ने। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज सरकार ने राज्य में गऊं की सुरक्षा लई गऊ पालन विभाग बनाया तो राजस्थान के गऊ सेवा कमीशन का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि सूबे में गौशालावां की स्थापना सहायता के विकास लई हर संभव सहयोग दिता जा रहा है। गहलोत जयपुर के मानसरोवर में गऊ सेवा समिति वालों आयोजित गऊ सेवा सम्मेलन संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार सेवा ही धर्म से सेवा ही कर्म के सिद्धांत चल रही है। उन्होंने भी कहा कि राज सरकार राजस्थान गऊ सेवा समिति के सुझावों उत्ते जरूर गौर करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गऊ पूजा की। मुख्यमंत्री ने गऊशालाओं में नंदियों को रखने और उन्होंने 12 महीने की ग्रांट देने का ऐलान किया। इस दौरान आम लोगों की मांग उच्च पद्धरी कमेटी ने सिफारिशों मुताबिक मुख्यमंत्री ने सूबे में मालपुरा कोचमन सिटी और सुजानगढ़ में 3 नवे जिले बुलाने का ऐलान किया। हुण चंडीगढ़ में भी दिवाली मौके पटाके नहीं चलाए जा सकणगे। इस संबंधी चंडीगढ़ प्रशासन ने पटाके ना चलाने के हुक्म जारी किए ने। दिवाली उत्ते सिर्फ 2 घंटे लिए पटाके चलाने की इजाजत होगी। लोग रात को 8 बजे तो रात 10 बजे तक ही पटाके चला सकणगे। यह भी दस दें कि सिर्फ हरे पटाके चलाने की इजाजत होगी। गुरपुरब मौके भी सिर्फ 2 घंटे ही पटाके चलाने की इजाजत होगी। पटाके सवेरे 4 बजे तो सवेरे 5 बजे तक और शाम 8 बजे तो रात 9 बजे तक ही चलाए जा सकणगे। साइलेंट जोन तो सिर्फ 100 मीटर की दूरी से ही पटाके चलाए जा सकते हैं। हुक्मों की उलंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज 9वीं P20 संसदीय स्पीकर की कॉन्फ्रेंस के संबंध में संसद भवन कंपलैक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर बोलदिया बिरला ने दस कि नवा P20 सम्मेलन 13 से 14 अक्टूबर 2023 तक नवे बने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि द्वारका नवी दिल्ली करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने भी कहा कि 9वीं P20 कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय एक धरती एक परिवार एक भविष्य लिए संसद रखा गया। P20 के संबंध में पार्लीमेंट में हुई एक विशेष मीटिंग में पद्म श्री सरदार जगजीत सिंह दरदी लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला के नाल खाने के टेबल उत्ते नजर आए। नहरी पानी प्राप्ति लिए मुख्यमंत्री दफ्तर अगे लगे पक्के मोर्चे के 17वें दिन सरकार की तरफों SC नहरी विभाग सुखजीत सिंह भुल्लर PCS अधिकारी रिचा गोयल SDM धूरी वालों लोगों में आके भरोसा दवाया गया और रजवाहे के टेंडर दकल किसान आगू को सौंपी गई। इस मौके किसानों के जेतू नारा नाल धरना समाप्त किया गया। इस संबंधी जानकारी दिंदा नहरी पानी प्राप्ति संघर्ष कमेटी के प्रधान जरनैल सिंह जहांगीर सीनियर आगू मगर सिंह भूदन ने दस कि 1 साल तो वध समय तो हलका धूरी मरेलकोटला अमरगढ़ महलकला के लोग नहरी पानी की मांग कर रहे हैं, पर सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सितंबर तो मुख्यमंत्री दफ्तर धूरी अगे पक्का मोर्चा लगे हुए थे, जिस सदका कल जल स्रोत विभाग के मंत्री गुरमीत सिंह मीतहर सैकटरी कृष्ण कुमार के नाल सैकटरीएट चंडीगढ़ में मीटिंग में सारिया मंगा से सहमति बनी सी। उन्होंने कहा कि अज मोर्चे में आकर टेंडर नकल देने तो बाद संघर्ष मुलतवी किया गया। मैं कृतिक सैन का सूबा प्रधान रपा सिंह तो लेके असी लंबे टाइम तो इस गल से लड़ रहे हैं भी हर किसान दे खेत तक नहरी पानी पहुँचे। उस सदे तहत साडा जिहड़ा संगरूर यूनिट है साडे जिले के प्रधान जरनैल सिंह जहांगीर इतने बाकी जथेबंदियों नाल लैके इन्होंने मोर्चा लाया है, लंबे समय तो लड़ रहे हैं, पिंडा च गए है। मैं समझना भी अज उसका एक मुढ़ली एक प्राप्ति हुई है उस गल की भी जी उन्होंने मनिया भी टेंडर का दूजा नहर नवी बन का जो सर्वे का ज मतलब काम शुरू करने का उन्होंने कहा भी झोने की बढ़ाई तो तुरंत पिछों असी तेजी करा स्टेज के उत्तों उन्होंने खड़ के ऐलान किया। मैं ये लगता भी एडमिनिस्ट्रेशन जी सरकार है इनू जरूर सिरे चढ़ाएंगे, सानू आस है इस गल की। तो मैं कहना साढ़े एक इस संघर्ष में बूर पिया जोड़ा संगरूर जिले के लोगों ने लड़िया।
मोगा के पौश इलाके स्थित कैंप कपड़ा मंडी में मशहूर कपड़ा व्यापारी जग्गी बग्गी की दुकान उत्ते तीन नौजवान आए और जग्गी बग्गी की दुकान से बैठे मालक ने कहा कि गैंगस्टर अर्श डल्ला ने उन्होंने भेजे तो वह अर्श डल्ला नाल फोन पर गलबात कर। इस घटना का पता लगते ही PCR पुलिस मुलाजम सतनाम सिंह मौके पर पहुंचे और बहादरी नाल दो अपराधियों को फड़ लिया तो एक फरार हो गया से जिसनों अज मोगा पुलिस ने काबू किया। इस संबंधी SSP जेल चिलियन ने दसा कि तीजा मुलजम पिस्टल की नोक से एक राहगीर तो मोटरसाइकिल खोह के फरार हो गया से। उन्हें कहा कि तिना मुलजमान तो होर पूछगिछ की जा रही है। कल दोपहर जिवें तुहानू सारयां नू पता है अपने मेन बाज़ार दे विच एक मशहूर कपड़े के दुकान से तीन नौजवान आए। उन्होंने दुकान मालिक दे नाल फोन देकर किसी ते गल करने के लिए किया। उसी टाइम दे विच साडे PCR दे विच तैनात ASI सतनाम सिंह बीट पर ड्यूटी पर हाजिर सीगी। उन्होंने तला मिली है इस दुकान दे विच तीन नौजवान शकी हालत में अंदर गए ने। उसी वक्त को ASI सतनाम सिंह ने दुकान से अंदर चले गए ने और जदों पुलिस पार्टी नू पुलिस नू देख के तीन बंदे तो एक बंदे उतों बच गए फरार हो गए ने। बाकी इन्होंने दोनों बंदे नू मौका ते फड़ लिया राउंडअप करी लिया। फिर इन्होंने सानू कॉल करता फिर असी एक्स्ट्रा फोर्स भेज के दोनों बंदे नू काबू करके ले गया जी। फिर मुढ़ली पड़ताल से ये गल सामने आई है इन्होंने दुकान मालिक नू गैंगस्टर अर्श डल्ला नाल गल करते और पैसा डिमांड करने ले इत्ते आए ने। इदे करके असी लोड़ींदी धारावां लगा के केस रजिस्टर कर दिता और दोनों दोषी गिरफ्तार हुए ने। और इसके अलावा जड़ा तीसरा दोषी मौका पर गए उन्होंने इतों बाजार एरिया तो निकल के बाहर जाके बौना चौंक दे विच एक नौजवान लड़के तो पिस्टल पॉइंट दे विच एक मोटरसाइकिल को किया। उदे बारे में सानू तला मिली है फिर असी इमीडिएटली वक्रे वक्रे टीमां बनाए CE और फोकल पॉइंट टीमें बनाए। वो असी फिर उन्होंने भी राउंड अप करी लिया है। उन्हें टोटल तीन बंदे असी इस मामले दे विच गिरफ्तार किए ने। एक लवप्रीत है एक आकाशदीप है एक गुरप्यार है। मोस्टली इन तीनों दे विच जिहड़ा दो मुंडे फरीदकोट जैतो एरिया का है और एक मुक्सर साहिब का रहने वाले हैं। और इन्हें खिलाफ पहला भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है कोई लड़ाई झगड़ा का कोई NDPS केस का है पर्चा दर्ज है। और इवें अर्श डल्ला के साथ एक किवें संपर्क में आए और आगे इन्हों का प्लान की है असी इन्हों की रिमांड से आज लेवांगे फिर फर्दर वर्कआउट। पिछले 1.5 साल तो NOC के मामले में लेकर तंग परेशान हो रहे सरदूलगढ़ शहर वासी किसान मजदूर वर्ग के लोगों ने नगर पंचायत सरदूलगढ़ के दफ्तर के बाहर रोस प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दफ्तर में तैनात अधिकारी कर्मचारी लोगों को NOC जारी नहीं कर रहे और लोग पिछले 1.5 साल तो नगर पंचायत के गेड़े कढ़ रहे हैं। इस मौके धरने को संबोधन करदे कामरेड लाल चंद बसपा के सूबा आगू कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ प्रॉपर्टी डीलर एसोसीएशन के आगू रिंपी बराड़ ने कहा कि NOC की आड़ में नगर पंचायत दफ्तर भ्रिष्टाचार का अड्डा बन गया। जबकि दूजे पासे नगर पंचायत के EO विपिन कुमार ने कहा कि अजिहा कुछ भी नहीं है। उन्होंने धरनाकारियों तो मंग पत्र लिया तो भरोसा दिता कि उनकी मंगा जल्द पूरी कीतियां जाएंगी जिस तों बाद शहर वासियों ने धरना चुक लिया। ये पंजाब सरकार वालों साल 1985 पापर एक्ट लिया गया अधीन 1995 तो बाद कोई भी अनऑथराइज डिवेलपमेंट नहीं होनी चाहिए। जे कोई होगी है उन्होंने लीगलाइज करने वास्ते टाइम टू टाइम पंजाब गवर्नमेंट आपदी पॉलिसिया लैके आई है जिम्मे 2012, 2013, 2015, 2018 उस अधीन जेडे कोई प्लाट होल्डर है वो आपका रेगुलाइजेशन वास्ते ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस अप्लाई करने वास्ते कुछ फॉर्मैलिटी होंगी है कुछ डॉक्यूमेंट नाल लगने होंगे काफ़ी तरह रिपोर्टां फोटोस होनी होंगे उस दिन ये ऑनलाइन प्लॉट रेगुलाइजेशन हो जाता है। लेकिन वेद कई दिक्कत आदि किसी ने प्लॉट गांह की गांह परचेज किया हों और उनका डाकूमेंट वो आपके पूरे नहीं कर सकता तो उन्होंने दिक्कत करके ये जरा बार धरना लगता है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते आते नज़र मारद मौसम के हाल से बने रहो चढ़ती कला टाइम ट्यूब के धन्यवाद।